अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ्रेंड मेरा नाम जिशान है और आप देख रहे हो नॉलेज एरिना। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो के न्यूली लॉन्च फोन ओप्पो F11 प्रो की, जिसे ऑफिशियल कर दिया गया है पाकिस्तान में 54,999 रुपीज प्राइस टैग के साथ। और ये वेरिएंट हमें देखने को मिलने वाला है 6GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज में। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओप्पो की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है ये फुल व्यू डिस्प्ले, जहां पर इस तरफ आपको देखने को मिलने वाला है एक पॉप अप सेल्फी कैमरा। वेल गाइस, करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग और देखेंगे ये फोन लुक में कैसा है, बॉक्स कंटेंट में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं। वेल गाइस, अनबॉक्सिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करने वाला हूं रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल नॉलेज अरीना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है बेल आइकॉन, उसे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि अनबॉक्सिंग वीडियोज, कंपेरिजन वीडियोज और जितनी भी वीडियोज इस चैनल पर है वो आपको मिलती रहे पहले। तो स्टार्ट करते हैं ओप्पो F11 प्रो की अनबॉक्सिंग। वेल गाइस, इस फोन के बैक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्लियरली मेंशन है 48 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरास, वूक 3.0 जेपे चार्जिंग। जो स्पीड आपको मिलने वाली है वो है बहुत ही ज्यादा फास्ट। इस फोन के अंदर लगाई गई है 4000 मिलियम पावर की बैटरी, 6.5 इंच फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन स्क्रीन, और यहां पर आपको मिलने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले। और इस फोन के अंदर एक मोड ऐड किया गया है जो कि हाइपर बूस्ट का जो टेक्नोलॉजी है वो है सिस्टम बूस्ट टेक्नोलॉजी। वेल गाइस, आउट ऑफ द बॉक्स करने पर यहां पर एक फोल्डर जहां पर हमें मिलेगा ये सिम इजेक्टर टूल, और यहां पर हमें मिलने वाली है यूजर मैनुअल, और उसके बाद ये है प्रोटेक्टिव केस जिसकी साइड्स जो हैं वो रबड़ की बनाई गई हैं, और ये जो बैक है वो है प्लास्टिक की। और गाइस, ये है हमारा फोन ओप्पो F11 प्रो। और गाइस, ये है एक बड़ा सा चार्जर जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसकी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये 5 वोल्ट 4 एम्पेयर का चार्जर है, और यहां पर आपको बैटरी चार्जिंग स्पीड जो मिलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा तेज मिलने वाली है। और यहां पर दी गई है ये एक वूक केबल, और यहां पर आपको इस फोन में USB टाइप सी देखने को नहीं मिलने वाली। और यहां पर दिए गए हैं एक अदद हैंड फ्री, जिनकी क्वालिटी जो है वो एज कंपेयर्ड ओप्पो के दूसरे फोन कुछ बेहतर सी मालूम हो रही है। वेल गाइस, ये है बॉक्स कंटेंट, इन सारी चीजों को करेंगे साइड में, आएंगे हमारे फोन की तरफ। वेल गाइस, ये है ओप्पो का F11 प्रो। यहाँ पर जो कलर ग्रेडियंट आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर है पर्पल शेड, इस जगह से आपको ये फोन ब्लैक दिखेगा, और यहाँ से ये फोन आपको ब्लू दिखने वाला है। तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है इस फोन का। फ्रंट फोन के बैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर दी गई है सिंगल एलईडी फ्लैश, यहाँ पर दिया गया है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहाँ पर लिखा हुआ है ओप्पो डिजाइन बाय ओप्पो। फोन केसेस से की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पावर बटन दिया गया है, और यहां पर दिया गया है एक सिम ट्रे जहां पर आप बेक वक्त 2 सिम लगा सकते हैं और एक अदद मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। फोन के नीचे की अगर बात की जाएगी तो यहां पर स्पीकर फोन दिया गया है, उसके बराबर में है चार्जिंग जैक, यहां पर एक माइक, और यहां पर 3.5 ऑडियो MM जैक दिया गया है। ऊपर के हिस्से की अगर हम बात करें तो यहां पर हमें मिलने वाले हैं वॉल्यूम रॉकर्स, और इस जगह पर हमें मिलेगा एक अदद नॉइस कैंसिलेशन माइक, यहां पर पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है, और यहां पर दिया गया है इंफ्रारेड। गाइस, करते हैं इस फोन को पावर ऑन और जल्दी से करते हैं हम इस फोन का सेटअप। फोन ने कर लिया अपना सेटअप कंप्लीट, और ये है हमारे पास ओप्पो F11 प्रो, जहां पर हमें मिलने वाला है ओप्पो की तरफ से फर्स्ट मोटराइज सेल्फी कैमरा। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं फ्रेंड इस फोन की स्पेसिफिकेशन। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले की, तो इस फोन में यहां पर लगाया गया है ये फुल व्यू डिस्प्ले।
स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 6.5 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस पैनल देखने को मिलने वाला है, जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080 बाय 2030/40। स्क्रीन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो है 395 ppi। इस फोन की बिल्ड की अगर मैं बात करूं तो इस फोन की ओवरऑल बिल्ड जो है वो बनाई गई है प्लास्टिक की, जिस पर फ्रंट पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, और यहां पर जो ग्लास है उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि इस फोन में कौन सा ग्लास यूज किया है ओप्पो ने। फोन में लगाया गया है मीडियाटेक हीलियो P70 का प्रोसेसर, जो कि 2.1 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इस फोन के अंदर जो GPU लगाया गया है वो है मालिका G71 MP3। इस प्रोसेसर की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इससे पहले हमने ओप्पो F7 और F9 Pro में मीडियाटेक हीलियो P60 का प्रोसेसर देखा था। जो परफॉर्मेंस उस प्रोसेसर की थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, और यहाँ पर इस फ़ोन में यानी ओप्पो F11 Pro में इसके रैंक को बढ़ा दिया गया है। तो इस फ़ोन की जो स्पीड है वो फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती लग रही है, और आप ये देख सकते हैं कि ये बिना किसी लैगिंग के कर रहा है काम। और गाइस अब हम आते हैं इस फ़ोन के ज़बरदस्त से फीचर इस फ़ोन के कैमरा पर। एंड इस फोन की बैक पर 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा लगाया गया है जिसका एफ अपर्चर 1.8 है, और उसके साथ एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है जिसका एफ अपर्चर 2। और यहां पर हमें फ्रंट पर मिलने वाला है एक अदद पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि 16 मेगापिक्सल का जिसका एफ अपर्चर 2.0 है, और ये आप देख सकते हो गाइस कितना तेज करता है काम। फ्रेंड इस फोन में मैं सेटअप कर चुका हूँ फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट को, तो यहाँ पर इस फोन की जो परफॉर्मेंस है फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट में वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ही है। और ओप्पो के फोन में हमें स्पेशली देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और यहाँ पर ओप्पो F11 Pro में भी इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है। और फेस अनलॉक की प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ़ोन हल्का सा देखेगा मेरे फेस की तरफ और यहाँ पर फ़ोन हो जाएगा अनलॉक्ड। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के मामले में ओप्पो ने यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वेल गाइस इस फोन के अंदर लगाई गई ये 4000 मिली एम्प आवर की बैटरी, जो कि चार्जिंग है वो मिलने वाली है आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट, जिसे नाम दिया गया है वूक चार्जिंग 3.0 का। और ये 4000 मिली एम्प आवर की बैटरी कितनी जल्दी चार्ज होगी ये इंशाल्लाह रिव्यू में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। वेल गाइस ये है ओप्पो का F11 Pro जिसकी थी ये अनबॉक्सिंग वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर अलॉट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।